जीवन चले किसी का सहारा मिले ना मिले ओ किसी का सहारा मिले ना मिले मुझे तो तेरा आसरा हो गया मेरा यार तू सांवरा हो गया मेरा यार तू सांवरा हो गया ओ मेरे दर्द की तू दवा हो गया ओ मेरे दर्द की तू दवा हो गया मेरा यार तू सांवरा हो गया मेरा यार तू तूने मेरी जिंदगी ओ बदल डाली तूने मेरी जिंदगी मैं खोटा था बाबा क्या था खोटा मैं खोटा था खोटा कब तक था जब तक तेरा दरबार नहीं देखा था लोग मुझे खोटा निकम्मा आवारा कामचोर ये कहते थे ये मेरी मेरी नहीं हर एक के जीवन की सच्चाई है ये लेकिन दर दर की ठोकर खाने के बाद जिस दिन से तेरे दरबार में आया उस दिन से लोगों का नजरिया बदल गया बदल गया जो लोग खोटा कहते थे वो क्या कहने लगे मैं खोटा था बाबा अब खरा हो गया मेरा यार तू सांवरा हो गया मेरा यार तू सांवरा हो गया एक बात मेरे साथ बोलिएगा तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है तेरा साथ है बोली बोलिए मुझे क्या कमी है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों में भी
सूचना आवाज पहुंचनी चाहिए, भक्तों सूचना आ रहे हैं। लखदा तारी मतलब जिस जगह हम आज कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, पिछले 7 दिन से इसी जगह पे, इसी दरबार में, इसी भूमि में समृद्ध समाज फाउंडेशन, श्री खाटू श्याम सेवा समिति जो दिन रात लगी हुई है, जिसने तन मन धन अपना सब कुछ लगा दिया, घर बार नहीं देखा, व्यापार नहीं देखा, देखा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा को और भक्तों को। ज्यादा से ज्यादा भक्त आए और बाबा से जुड़े, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिन्होंने जिन्होंने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह सूचना भिजवाई, चेयरमैन जी सुनो 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 सुनो, दिल्ली वालों, शहर वालों, अरे गांव वालों, अरे कस्बे वालों, सुनो सुनो सुनो, जन्माष्टमी महोत्सव होने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को आना है। और वाकई दिखा दिया एक हफ्ते से कि ये जगह वो है जहां पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी आ रहे हैं। भक्त सूचना कर दो जारी, आ रहे हैं लखदा तारी, भक्त सूचना कर दो जारी, आ रहे हैं लखदा होकर सब नर नारी स्वागत की अब करो तैयारी, हर्षित होकर सब नर नारी स्वागत की अब करो तैयारी, हर्षित होकर सब नर नारी करो तैयारी, हर्षित होकर सब नर नारी स्वागत की अब करो तैयारी। शाम का संदेश लाया वो, 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 हवा कहे झोंका की होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तू हमें दर्शन देता है, कब और कैसे देता है ये मैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। श्याम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, 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 और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है, 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 भगवंत मिलन हो जाता है। और मिलन भी होता है तो कैसा, अरे प्यासे बैठे हैं, अरे दीवाने बैठे हैं जो कह रहे हैं हारे के सहारे होते हैं।
झालर झूमर चांद निराओ, जब बाबा आया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, जब बिहारी जी आए सुंदर से सुंदर व्यवस्था, सुंदर से सुंदर सजावट, मानो ऐसा लग रहा जैसे हम वृंदावन में आनंद ले रहे हैं। फूलों की लड़िया मंगवा झालर झूमर चांदनी लाओ, फूलों की लड़िया मंगवा झालर झूमर चांदनी लाओ, रच रच कर ये भवन सजाओ इतर सुगंध दी छिड़काओ, रच रच कर ये भवन सजाओ इतर सुगंध दी छिड़काओ। फूलों की लड़िया मंगवाओ झालर झूमर चांदनी लाओ। एक बात बताऊं, जब भी कभी आपका मन करे कि बाबा कृपा करो कीर्तन कराना है, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, आपका बजट नहीं है, बड़े से बड़ा कलाकार नहीं बुला पा रहे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई ये है, अगर आप सच्ची भावना से बुलाओगे, अपने घर के किसी भी कोने में दीपक जला के बैठ जाना, दो प्यारे प्यारे भजन सुनाना, वो तब भी आएगा। बोलिए श्याम प्यारे। लेकिन जब आप जैसे भक्तों के बीच में आते हैं तो विचारधारा बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। तब विचारधारा क्या आती है, जैसे यहाँ पे पिछले 7 दिन से कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, अब ऐसा जब नजारा देखते हैं तो मन में ये लाइनें भी आती हैं, फूलों की लड़िया मंगवाओ झालर झूमर चांदनी लाओ, रज रज कर ये भवन सजाओ इतर सुगंधित भी छिड़काओ, और खर्च करो दिल खोल के, खर्च करो दिल खोल के। ध्यान देना मेरी बात को, बस सोच लेना, आगे तो वो बैठा है, वो कहेगा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। खर्च करो दिल खोल के, कुछ भी घाटा ना होगा। सावरो चाहते थे, लेकिन उसके स्वागत में हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे, अगर कृपा थोड़ी करी तो थोड़े उठाना, अगर कृपा करने में कोई सोच विचार नहीं किया तो दोनों हाथ उठा के 1 2 3 भजन आपको बताऊं, 2020 का रखा हुआ था। 2020 जब लॉकडाउन आया, महामारी आई, और मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए, प्रेम से बोले एक बार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, पड़ोसी को भी बोल दो ताकि उसका इधर उधर दिमाग ना जाए, जय श्री श्याम, पीछे वालों को भी बोल दो
एक बार बाबा को भी सब मिलके बोल दो, जय श्री श्याम। अभी जब महामारी आई तो कुछ लोगों को लगा कि अब कलयुग का अंत आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है। लोगों ने कुछ ने विचार विमर्श किए, मेरे तक बात पहुंची तो मैंने उनको बताने की कोशिश करी, अरे ये कलयुग का अंत नहीं था, वो तो उसका तिनका भी नहीं है। जब कलयुग का अंत आएगा तो इंसान इंसान को खाने लगेगा, अभी तो इंसान जानवर को खा रहा है। कितनी अच्छी बात है, इंसान भी बड़ा अजीब है, इंसान भी बड़ा अजीब है। लाश के पास जाते हैं तो नहाते हैं और जिंदा जीव को मार के खा जाते हैं। ये देखो आप कितनी बड़ी विडंबना है। अब जब कलयुग का अंत आएगा इतना विकट, जिसका बहुत ही भयंकर स्वरूप होगा, उससे हमें बचने के लिए माध्यम सिर्फ एक है हमारा बचने का, और वो है सिर्फ और सिर्फ भजन, सिर्फ और सिर्फ। तो हमें वो करना होगा, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम दे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम दे, मुझे दुनिया वालों से की जो जो बाबा को बुला रहे हैं, बड़ी ही प्यारी सी लाइनें हैं। चंदन की चौकी ले आओ, मखमलिया सन उस पे बिछाओ, चंदन की चौकी ले आओ, क्या मखमलिया सन उस पे बिछाओ, बाबा का गलहार बनाओ जल्दी करो ना देर लगाओ, बाबा का गलहार बनाओ जल्दी करो ना देर लगाओ, साबरा साबरा साबरा। मुझे पता है पिछले कई दिनों से कीर्तन चल रहा, थकान हो चुकी होगी, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि जब समापन का दिन होता है तो जोश अलग ही होता है। बोलो हारे के सहारे की, बोलो तीन बार धारी की, बोलो लाज बचाने वाले की, बोलो लीले के अखबार की, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो जवाब देगा। मत कर तू चिंता, जमाने की नहीं चिंता, जमाना कैसे चलता है मुझे चिंता है बस उसकी, जमाना जिससे चलता है चिंता को नहीं, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम राधे श्याम बोलो कृष्ण भगवान क्योंकि व्यस्तता बहुत होती है कल देखा होगा मंदिर में बिहारी जी के लाइव के माध्यम से अपार संख्या भक्तों की प्रत्येक व्यक्ति की एक ही मन की इच्छा प्रभु कृपा करो लेकिन प्रभु है बिजी नंबर बड़ी देर में आएगा अब ऐसे में डिपार्टमेंट जाता है दूसरी तरफ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए लेकिन ऐसे नहीं अरे इंतजाम कराने के लिए क्या करना होगा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं ओ श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं तू बुलाता रहे और मैं जो दरबार में हो वो सिर्फ यही आवाज हो इसके अलावा कोई आवाज चाहिए नहीं है ना मेरा बहुत निवेदन है आप बोलना बंद करोगे तब मैं बोलना मेरे को दो भजन गाना मंजूर मेरे को दो घंटे नहीं गाना लेकिन मेरे दो भजन भी आप ऐसे सुन के जाना कि जैसे दो घंटे का कीर्तन सुन के आए हो ऐसे सुन के आए कितने लोग चाहते हैं कि बाबा बुलाता रहे और मैं जाता रहूं वही हाथ उठाए इधर और ताली बजा कर बोले बाबा ओ श्याम बाबा
अपने ख्वाबों में तुमको बसाया, अपने ख्वाबों में तुमको बसाया, याद आती रहे यूं रुलाती रहे, याद आती रहे यूं रुलाती रहे, तुझे असुवन की भेंट चढ़ाता रहूं। कीर्तन क्या होता है? जो आवाज आपके मन से निकले, जो आवाज आपके दिल से निकले, जो आपके भाव से निकले। तो एक बार मिलकर बोलना, श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बहुत सुंदर बात बता रही हूँ आप। जब से तेरी शरण में मैं आया, अब मैं माइक में नहीं सुनूंगी, वो लोग बोले जिनको बाबा के दरवाजे पर जाने पर कुछ मिला वो बोलेगा, और बोलेगा किस लिए? बाबा को धन्यवाद देने के लिए। अब जितने लोग बाबा को धन्यवाद दें वो हाथ उठाएं। अरे कि प्रेमी बोले, जब से तेरी शरण में जो ना सोचा था वो मैंने पाया, तेरा एहसान है तू मेहरबान है, तेरा एहसान है तू मेहरबान है, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं। आपके लिए मैं नई नहीं हूँ और मेरे लिए आप नए नहीं, क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही बाप की संतान है जो सामने बैठा है। एक बार सब मिलकर के बोलेंगे, बाबा श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, तू बुलाता रहे और दिया और हमने जो नहीं मांगा वो भी किस किस को मिला। तो मैं कहूं एक धन्यवाद की ताली बजाओ तो कैसे बजाओगे?
दरवाजे पर पहुंचे। मैं उस समय की बात कर रही हूँ, आज से 50 साल पहले। तब भी आदमी हार के पहुंचा था और आज भी आदमी हार कर ही पहुंचा है। और जब हम हार के पहुंचे तो हमने बाबा से क्या कहा, बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम सुनोगे ओ साथी हमारा कौन बनेगा, सभी से खिवैया एक ही है, सुना है हमने सभी से खिवैया एक ही है, घूमनी सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, घूमनी सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, अब की पार लगाओ मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान, किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा, तुम ना सुनोगे यहाँ से बहुत बैठे होंगे आज दरबार में जो बाबा को अपनी कहानी सुनाने आए होंगे, उनको बाबा से डर नहीं लगता है कि मैं बाबा को कैसे कहूंगा, उनको दुनिया से डर लगता है मैं दुनिया के सामने कैसे कहूंगा, इसलिए आदमी कीर्तन में आता है और कीर्तन ही वो ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ करके आप बाबा से दिल की बात कर सकते हो। आज बोलना बाबा दुनिया की बिगड़ी बना रहे हो, मैं भी तेरा बच्चा हूँ, अब मेरी तू नहीं सुने तो मैं किसके दरवाजे पर जाऊँ, तुम ना सुनो तुम सुनोगे तो सुनेगा। और ये भी सुन रहे हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाई, प्रशासन हमारे बीच में बैठा है, ये एक बात बताती हूँ आपको, जो कीर्तन सुन रहा है इसका मतलब समझे आप, यही सच्चा दरबार है और यही सच्ची सरकार है। ऐसा नहीं कि जो प्रशासन में काम करते हैं उनके घर में दुख नहीं आते, परेशानी नहीं आती, सब आता है ना, लेकिन अब वो किससे कहें, क्योंकि इन्होंने दूसरों का दुख उठाने की ठेका ले रखा है कि हमको तो दूसरों का देखना है जाए, लेकिन आज अगर ये यहाँ बैठ करके कीर्तन सुन रहे हैं तो सोचो कि प्रशासन भी अनुशासन में बैठा है, लगाए ताली और मिलकर बोले कि बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत, पानी है सर से ऊपर मुसीबत, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे
तुम ना सुनोगे तो अभी किस किस को बोलना है बाबा से कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, वो हाथ उठाए और बोले बाबा ओ श्याम, हाँ बाबा ओ श्याम बाबा, हो भजन गा के रे जाता है, कोई नाच के रे जाता है, कोई जयकार लगा के रे जाता है। एक भजन लिखने वाला क्या करना चाहता है बाबा के लिए, वो सुने, लगाए ताली। श्याम बिन्नू की है